उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानों और ठेले वालों के लिए अपनी दुकानें और ठेलों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार के एक फैसले ने राजनीति गलियारों में भूचाल ला दिया। एक तरफ विपक्ष लगातार तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के नेता भी विरोध जाहिर करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए के प्रमुख सहयोगी आरएलडी के मुखिया और केंद्र मंत्री जयंत चौधरी ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। कावड़ यात्रा और नेम प्लेट विवाद पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख और केंद्र मंत्री जयंत चौधरी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए सरकार के इस फैसले की खिलाफत की है। उन्होंने कहा कि कावड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती, धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता। इस मामले को धर्म और जाति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब अपनी दुकानों पर नाम लिख रहे हैं, मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग क्या लिखेगा। सरकार ने यह फैसला ज्यादा सोच समझ कर नहीं लिया है। कहाँ कहाँ नाम लिखें, क्या अब कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दें, ताकि देख कर ये तय किया जा सके कि हाथ मिलाना है या गले लगाना है। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। दूसरी तरफ कांग्रेस के अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी यूपी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा को लेकर दुकानों में नाम लिखने के आदेश को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के इस आदेश को मैं गलत मानता हूं। उनका कहना है, हमारा देश एक सेकुलर देश है, इस तरीके का कोई आदेश ठीक नहीं है। सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि हो सकता है सरकार ने यह अच्छे के लिए क्या हो, लेकिन इससे संदेश गलत जा रहा है। सांसद का कहना है कि सभी धर्म व जाति का विकास करना, सबकी भावना का ख्याल रखना सरकार का कार्य होता है। सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ रूट की दुकानें ठेले वालों के लिए एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया कि सभी दुकानों ठेलों वाले अपना नाम लिखें, जिससे कावड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। ऐसा आदेश आते ही हंगामा हो गया। फैसले के खिलाफ विपक्ष से लेकर सरकार के सहयोगियों ने भी मोर्चा खोल दिया। जयंत चौधरी से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने भी योगी सरकार के फैसले की निंदा की थी। जेडीयू के प्रवक्ता कैसी त्यागी ने कहा कि फैसले पर एक बार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए, जिससे समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा हो। खाने पीने और फल सब्जियों की दुकानों पर मालिक और कर्मचारियों के नाम की शुरुआत मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह के उस आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कावड़ के मद्देनजर ये आदेश जारी किया था। उसकी आलोचना के बीच ही सरकार ने पूरे राज्य के कावड़ मार्गों के लिए इस आदेश के अनुपालन का निर्देश जारी किया और अब इस पर राजनीति हंगामा बरपा है। मोदी सरकार के मंत्री जयंत चौधरी और विपक्ष के बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे अमृत विचार के साथ।